everyone, welcome to online class. Today we are going to start book work of lesson 6, adjective and degrees of comparison. It a page number है 28. First exercise दी हुई है using as, बीच में adjective use करना है, फिर as, make the positive sentence. इसका use करते हुए आपको positive degree से sentences बनाने हैं. पॉजिटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कोई भी पर्सन या थिंग्स उनके बीच में कंपेयर ना करके उन दोनों के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो, क्या हो उन दोनों के बीच में इक्वालिटी हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे एज एडजेक्टिव और एज. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सचिन bright his friend. तो इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है, और किसका यूज करना है, एज एडजेक्टिव और एज. इसका देख क्या बनेगा, सचिन एज ब्राइट एज हिज फ्रेंड. दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों के बीच में कोई कंपेयर नहीं हो रहा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट सेंटेंस, विशाल इंटेलिजेंट, विशाल इंटेलिजेंट सुलभ. इसमें भी यही एज एडजेक्टिव एज से सेंटेंस बनाना है, विशाल एज इंटेलिजेंट एज सुलभ. विशाल सुलभ की तरह इंटेलिजेंट है, यानी दोनों क्या है, इंटेलिजेंट है. ना ये कि विशाल ज्यादा है या फिर ना ये शो हो रहा है कि सुलभ ज्यादा है, दोनों क्या है, इक्वल इंटेलिजेंट है. तो बेटा पार्ट ए में तो आपको एज एडजेक्टिव एज से सेंटेंस बनाने हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, उसमें आपको यूज करना है कंपेरेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री बेटा, कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, जहां दो के बीच कंपेरिजन हो रहा, तो पर्सन हो या दो एनिमल हो या दो थिंग्स दी हुई हो, उन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा हो, वहां हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री. फर्स्ट सेंटेंस, बबीता इंटेलिजेंट, बबीता इंटेलिजेंट सोनिया. इसमें बेटा आपको कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोर इंटेलिजेंट. बबीता इज मोर इंटेलिजेंट, बबीता इज मोर इंटेलिजेंट देन सोनिया. यहाँ बबीता को कंपेयर किया जा रहा है किससे, सोनिया से, तो दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज की है, कंपेरेटिव डिग्री. नेक्स्ट सेंटेंस, टुडे वार्म यस्टरडे, टुडे वार्म यस्टरडे. टुडे और यस्टरडे को कंपेयर करना है, तो कंपेरेटिव डिग्री यूज कीजिए, टुडे इज वार्मर देन यस्टरडे. टुडे इज वार्मर देन यस्टरडे, आज कल से भी ज्यादा गर्म दिन है. क्योंकि यहाँ दो के बीच कंपेरिजन हो रहा है, तो हमने कौन सी डिग्री यूज की है, कंपेरेटिव डिग्री. और जहां हम दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा, दोनों इक्वल है, तो वहां कौन सी डिग्री यूज की है, पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री,
नेक्स्ट जो पार्ट दिया है बेटा उसमें आपको यूज करनी है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ कंपैरिजन मोर देन टू के बीच में हो, जहाँ कंपैरिजन मोर देन टू पर्संस थिंग्स के बीच में हो वहाँ हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट सेंटेंस, एलिफेंट लार्ज एनिमल, एलिफेंट लार्ज एनिमल ऑन द अर्थ, इसमें आपको यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के। एलिफेंट की तुलना जो है अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल है उससे करेंगे, यानी मोर देन टू है तो क्या बनेगा इसमें? एलिफेंट इज द लार्जर, सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई? लार्जेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री पहले हम किसका यूज करते हैं? द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने किसका यूज किया? द। सेकेंड, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाई पीक, माउंट एवरेस्ट हाई पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट की वर्ल्ड में जितने भी पीक है उससे कंपेरिजन करना है बेटा। कैसे यूज करेंगे इसे सुपरलेटिव डिग्री? द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट इज द highest peak in the world। क्या बना दिया हमने इस, किसमें यूज किया है? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, विमला फैट गर्ल इन द क्लास, उसका क्या बन जाएगा? विमला इज द फैटेस्ट, विमला इज द फैटेस्ट गर्ल इन द क्लास। और बी पार्ट जो है बेटा उसमें आपको रीड करके सेंटेंस देखना है कि उसमें अगर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, दो के बीच कंपैरिजन है तो कंपेरेटिव डिग्री, और मोर देन टू के बीच कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री का आपको यूज करना है। तो आज का आपका होमवर्क है आपको लेसन सिक्स एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन का कंप्लीट बुक वर्क बुक में फिल करना है और इसे लर्न करना है। थैंक्स।